सीएम योगी 2 मई को झांसी में करेंगे जनसभा, भाजपा के पक्ष में बनाएंगे माहौल। अखिलेश का भाजपा परिवार बोली सीएम अपने मुकदमे वापस न लेते तो नंबर वन होते। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव में आपकी प्लानिंग, राज्यसभा सांसद संजय सिंह 2 दिन करेंगे नुक्कड़ सभाएं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम करेंगे जनसभा, वाराणसी में 3 विधानसभा के वार्डों में पदयात्रा, महापौर और पार्षदों के लिए मांगेंगे वोट। कम हो रहा है कोरोना का डर, बीते 24 घंटे में कम आए नए मामले, एक्टिव मामलों की संख्या 4,223 रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर समेत यूपी के 5 जनपदों का दौरा करेंगे और प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जौनपुर के BRP कॉलेज मैदान में स्थानीय नगर निकाय चुनाव के प्रचार में जनसभा को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। वहीं सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस नगर के होटल और जनसभा स्थल के समीप बने स्थानीय आवासों में मेहमानों को न ठहराने की चेतावनी भी दी गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस को पहले उसकी सूचना देनी होगी। चेकिंग के दौरान होटल और सामान्य जन के घर संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर विधिक कार्यवाही होगी। तो वहीं पर आप अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जो कि मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लगातार वो विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हो रहे थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP जिस तरीके से एक्शन मोड में है, वहीं ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार प्रसार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पार्टी के लिए और अपने प्रत्याशियों के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज जा रहा है। वहीं इस वक्त यूपी में निकाय चुनाव है तो सरकार की ओर से नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर नगरीय निकायों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश भी सरकार की ओर से दिए गए हैं। दरअसल यूपी सरकार की ओर से इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसमें नगरीय निकायों से सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत ऐसी सरकारी जमीनों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जिन पर भूमाफिया या किसी अन्य के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उन सभी अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करके सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उसकी जानकारी IGRS पोर्टल पर राजस्व विभाग के सहयोग से दर्ज कराने के लिए भी कहा गया है। लखनऊ में BJP के दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी जारी है। BJP के इस चुनावी चक्रव्यूह में विपक्ष के कई नेता फंसते जा रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने हाल ही में BJP ज्वाइन की है। इस क्रम में सपा नेता मोहनीश त्रिवेदी ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। बसपा नेता KK सचान ने भी BJP की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही सपा से नरेंद्र यादव ने अपने तमाम समर्थकों के साथ BJP ज्वाइन की। नरेंद्र यादव के साथ उनके बेटे सचिन यादव ने भी BJP की सदस्यता। इसके अलावा दर्जन जिलों के सैकड़ों पदाधिकारी BJP में शामिल हुए। वहीं इन नेताओं को डिप्टी सीएम ऋषिकेश पाठक ने अपनी मौजूदगी में BJP की सदस्यता दिलाई है। मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर KK सचान साहब का, जो BSP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, बड़े नेता हैं प्रदेश के, और आपका कार्य क्षेत्र कानपुर से लेकर के जौनपुर तक विस्तृत रहा है। कानपुर के रहने वाले हैं और जौनपुर से मरियाओं आप चुनाव जीते हैं और बड़े नेता हैं प्रदेश के, और इनका बड़ा कार्य क्षेत्र है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में, और हमें पता है कि आपके जुड़ने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आप निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे हैं। दूसरा हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव जी जो 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद से लेकर कानपुर से लेकर आगरा बैठ गए,
निकाय चुनाव को लेकर सभी दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रविवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की कई कमियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से हजारों वादे किए लेकिन उन्हें पूरे नहीं कर पाए। अखिलेश ने कहा, यूपी में ऐसी सरकार जो 6 साल के कार्यकाल में ना नाला बना पाई हो, पानी निकास का इंतजाम न करा पाई हो, जो विकास का इंतजाम न करा पाई हो, वो पार्टी कैसे उम्मीद करती है कि उनके पक्ष में मतदान होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, आज ये लोग माफियाओं की चार्जशीट और मुकदमों की सूची दिखा रहे हैं, असल मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझाए हुए हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सांड खुद ही ट्रैफिक संभाले हुए हैं। कई बार यहाँ की तस्वीर भी सामने आती रहती है, सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात पर नहीं करते, इसलिए सवाल करना जरूरी है। बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अरे गोरखपुर वालों बताओ, आपके लिए लिंक एक्सप्रेस वे बना था, जुड़िया के नहीं जुड़ा, अगर जुड़ा होता तो हवाई जहाज से नहीं हम सड़क से आपके बीच में आ जाते, इतने समझदार। और जो लिंक एक्सप्रेस वे जुड़ रहा है, बताओ कब जुड़ना था, आज भी नहीं जोड़ पाए। और आप गणित, आप लोग हिसाब किताब लगाना, हमारे समाजवादियों की मदद करिए आप लोग, और यहीं से शुरुआत हो, 24 की गिनती भी यहीं इसी चुनाव से शुरू हो। जो निषाद समाज के लोग कहते हैं, हम तो जानते हैं, इसी मैदान में बगल में आए थे एक बार, निषाद समाज के नेता कहते थे मठ हमारा है, यही तो कहते थे, बताओ याद है कि नहीं याद है कि ये निषाद राज की स्थान है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ सहयोगी विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, अखिलेश यादव प्रचार प्रसार थामने के साथ गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया, जमकर सरकार पर तंज कसा है उन्होंने। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि जहां एक तरफ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक भरसक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रयासों के बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और साथ ही साथ कैबिनेट और तमाम जो उच्च पदाधिकारी हैं प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अलग अलग प्रदेशों में दौरा करके और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। आपको बताएं कि जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मेट्रो से प्रचार करते हुए नजर आएंगे और श्रृंगार नगर से भूतनाथ स्टेशन तक वो मेट्रो से प्रचार करेंगे, तो वहीं कल बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक ऐतिहासिक जगह है और साथ ही साथ सीएम सिटी है, वहां पर अखिलेश यादव की एक जनसभा थी जिस पर उन्होंने सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। आपको बताएं कि गोरखपुर वासियों से जब अखिलेश यादव अपना संबोधन कर रहे थे, उस वक्त वो पूछते हुए नजर आए कि क्या गोरखपुर में मेट्रो चल रही है और क्या मेट्रो की पहल जो है उसमें कितनी रफ्तार आई है। साथ ही उन्होंने आवारा पशु और नालियों की समस्या, साथ ही साथ जो उन्होंने आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ये कहा कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों पर उलझाए हुए है और मूलभूत सुविधाओं से भटकाए हुए है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव की तंज पर किसका पलटवार आता है और बीजेपी इससे कैसे डिपेंड करती है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने कार्यालय पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया और स्क्रीन पर कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 100 महीनों से मन की बात कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर समाज के हर पहलू पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, जिसका जनता को फायदा पहुंचा। वहीं इस मौके पर पिछले चुनाव में उनकी टिकट कटवाने और काटे जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पार्टी और संगठन जिम्मेदारी देती है, और रही बात टिकट कटवाने की, तो फरीदाबाद के किसी नेता का नहीं है इतना बड़ा कद की कटवा सके, किसी की टिकट या दिलवा सके किसी को टिकट। उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन को पता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, जबकि बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है और यहाँ कार्य बड़ा होता है। विपुल गोयल ने कहा कि पार्टी को लोकसभा, विधानसभा और संगठन की जहां भी उनकी जरूरत होगी वो
पहले भी निष्ठा से कार्य करते आ रहे और आगे भी करते रहेंगे। पार्टी और संगठन जो भी जिम्मेदारी उनको लगाएगी वो उस काम को पूरी तरीके से निभाएंगे। जो 100 महीनों से मन की बात में रेगुलर कोई ना कोई संदेश देते आ रहे हैं और इतनी बड़ी बातें हैं, इतना बड़ी मतलब छोटे से व्यक्ति को या छोटे प्रयास को उसको विश्व पटल पर लाने का काम किया, छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी किस तरीके से लोग उसका निदान कर रहे हैं, उसको एक वृहद रूप देने का काम किया, उन सबको समायोजित करके उन लोगों का मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री जी ने दोबारा आज विवरण किया, उनके बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि चाहे लोकल फॉर वोकल की बात हो, सेल्फी विद डॉटर की बात हो, टूरिज्म की बात हो, स्वच्छता की बात हो, हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रयास को। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ेंगे। मनोज, विपुल गोयल ने बड़ा बयान दिया है कि पार्टी जो भी उन्हें जिम्मेदारी देगी वो पूरी निष्ठा से उन्हें निभाएंगे और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की प्रशंसा भी की है। नंदनी बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जब मन की बात लोगों के साथ सुन रहे थे तभी इस दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान ही उन्होंने कहा कि सरकार गरीब लोगों के हित में काम कर रही है और जिस तरह से टिकट की बात रही है, टिकट काटने को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि किसी का ना तो कोई दबाव है ना ही किसी राजनीति की चलती है, क्योंकि ये सरकार ऊपर से ही तय करती है कि कौन सा बंदा सरकार में रह के काम कर पाएगा, लोगों के किस तरह से लोगों की भलाई के लिए सोच पाएगा, उसी को लेकर जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल उनका जो बयान है वो सामने आ पाया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज। हंडिया नगर पंचायत क्षेत्र में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। नगर पंचायत चुनाव को लेकर हंडिया में भ्रमण किया गया। एसीपी हंडिया सुधीर कुमार और थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दुबे ने कस्बा वासियों से संदेश दिया कि निर्भीक होकर मतदान करें, फर्जी मतदान न करें, नहीं तो पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हंडिया नगर पंचायत के 13 वार्डों में फ्लैग मार्च किया गया। हंडिया नगर पंचायत क्षेत्र में करीब 2 घंटे तक बीएसएफ स्थानीय पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले बुजुर्गों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा की प्राइवेट और सरकारी रोडवेज बसों में 60 साल के बुजुर्गों को किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। पहले ये सुविधा 65 साल के बुजुर्गों को मिल रही थी। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बुजुर्गों को बस स्टैंड के पास दिया गया। सभी बुजुर्गों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जीएम रोडवेज लेखराज ने बताया कि हमने बुजुर्गों को पास वितरित किए हैं। रोडवेज बसों में अब 60 वर्ष के बुजुर्ग महिला और पुरुष का आधा किराया लगेगा। यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये लाभ केवल हरियाणा के लोगों के लिए है। आपको बता, क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, जो हरियाणा ने बुजुर्गों के लिए राहत दी थी किरायों को लेकर, तो आपने पास आवंटित किया? कब आपने ऑनलाइन किया था और कब आपको मिला? 20 तारीख को ऑनलाइन करा था, आज 28 तारीख को मिल गया। अच्छा, और 50% का इसका डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितना आपको फायदा है, क्या क्या होगा सरकार के लिए जिन्होंने ये योजना बनाई? यही बहुत बढ़िया है, तो बुजुर्गों के लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत फायदा है। अब मैं तो वैसे भी विकलांग हो गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसमें ऐसा कहीं भी आऊँगा जाऊँगा गाँव के वगैरह के लिए। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ये हिदायत जारी हुई थी कि भाई जो मेल सीनियर सिटीजन हैं, पहले हम उनको 65 के बाद सुविधा देते थे, लेकिन अब सरकार ने 60 से 65 वर्ष आयु कर दी है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारे को जो हिदायत है वो 24 घंटे में उसका पास जारी करने की है। अगर वो सभी औपचारिकताएं पूर्ण करता है तो हम उसी के अनुसार सभी का जो है लगभग 8 से 10 घंटे में बना देते हैं, लेकिन हिदायत जो है वो 24 घंटे की है। हम सुबह एक बार सुबह आते ही देख लेते हैं जिन्होंने रात को अप्लाई किया होता है, जिन्होंने दिन में अप्लाई किया होता है एक बार उसको सुबह शाम को जाते। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।